शहजाद भाई आज किधर घूम रहे हैं आप? इधर मैं देख रहा हूँ जो पानी शानी, क्या है प्रोग्राम है आज आपका? अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आया हूँ, ये मेरे घर के पास बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा विज़िट करने के लिए आया था। मैंने कहा एक छोटी सी व्यूअर्स को नई और अच्छी वीडियो बना के तो दिखाऊँ। जी शहजाद भाई, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा पानी है, क्या कोई नहर आ गया, दरिया क्या? नहीं, ये बारिशें होती हैं ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे, तकरीबन ये 9-10 महीने यहाँ पे बारिशें होती हैं, और ये सारा पानी अभी तो ये कम है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये ऐसे ही पता चलता है जैसे कोई बहुत बड़ा डैम है या बहुत बड़ी कोई झील। ये कुदरती झील बनी हुई है, एक लेक है, तो यहाँ पे ये आप देखें ना, ये कश्तियाँ हैं वो ये, हाँ ये इन्होंने जाल लगाए हुए हैं, ये मछलियाँ भी पकड़ते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मछली है, छोटी बड़ी, ये ज़्यादातर छोटी पकड़ते हैं क्योंकि ये लोग छोटी मछली पसंद करते हैं खाने में। और ये आप दिखाएं इनको, ये देखें, ये दोनों लड़के इन्होंने जाल लगाया हुआ है और ये मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ये बड़ी जो है उसके लिए जाल नहीं है इनके पास, जो थोड़ी बड़ी हो जाती है वो फिर इनके पास एक डंडा है, वो ऊपर से मारते हैं और वो पकते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है क्योंकि वो मर जाती है। तो बाकी ये जाल से ये देखें, ये सामने जो है ये दूध वाली फैक्ट्री है, दूध है, पानी है और जूस वगैरह की, ये सामने फैक्ट्री है और ये बाकी सारी, ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी झील है, इसमें दूध बनता है फैक्ट्री में? हाँ ये दूध बनता है, पानी बनता है, पानी बनाते हैं जो फिल्टर करते हैं वो पानी है, और जूस है ये सारा इसमें, ये वो फैक्ट्री है, इन्यांजे फैक्ट्री इसको बोलते हैं, ये किगाली में है, किगाली मसाका सेक्टर है ये, वहाँ पे है, पीछे पहाड़ी है वो बहुत, ये सारी पीछे पहाड़ी है। और देखें कितनी तरतीब से इन्होंने घर बनाया और कितनी खूबसूरत कटिंग करके ये घर बनाते हैं, और ग्रीनरी देखें कि जो भी घर बनाना है, दरख्तों को या किसी चीज़ को नुकसान नहीं होने देना, सिर्फ घर वाली जगह है उसकी खुदाई करनी है और उसको एक्सिवेशन करके सिर्फ वहाँ पे घर बनाना है, बाकी ये ज़ाया नहीं करते, जो दरख्त वगैरह हैं वो उनकी कटिंग नहीं करते। अच्छा, मेरे कैमरे में ये नज़र आए तो देखें काफ़ी कश्तियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं? ये मछलियाँ सारे आपको बताया है ना, ये सारे मछलियाँ पकड़ रहे हैं जितने भी हैं ये। अच्छा। ये यहाँ पे सुबह आ जाते हैं, शाम तक ये मछलियाँ पकड़ते हैं और आगे मार्केट में सेल करते हैं, बस ये इनका रिजक लगा हुआ है यहाँ से। तो ये कुदरती तौर पर झील बनी है और इनका भी रिजक लग गया, अल्लाह पाक ने इनको भी रिजक देना है तो इसी तरीके से देखें, माशाल्लाह खूबसूरत बहुत है, बहुत खूबसूरत है, मैं देख रहा हूँ ये बहुत बड़ी झील है, बहुत बड़ी है ये, आगे तक है ये, तो मेरे ख्याल में काफ़ी गहरी होगी, जो पानी नहीं खुश्क होता है। बहुत गहरी है ये, बहुत ज़्यादा गहरी है, ये पहले नहीं थी आबद भाई, जब मैं रवांडा में आया हूँ ना तो उस टाइम ये तकरीबन इसको 1 साल या 6 महीने हुए थे ये बनी, ये कुदरती, तो ये सारी यहाँ पे काश्तकारी होती थी, बंदे सब्जियाँ वगैरह लगाते थे, तो ये बारिशें इतनी ज़्यादा हुई कि ये जगह थोड़ी डाउन थी और यहाँ पर ये झील बन गई कुदरती तौर पर। तो अभी ये बंदे यहीं से पानी भी लगाते हैं खेतों को, यहाँ से ही जमा करके छोटे थोड़ा सा बाल्टियों से या अच्छा से ये पानी निकाल, ट्यूबवेल वगैरह का निज़ाम नहीं है? ट्यूबवेल वगैरह का यहाँ पे कहीं भी निज़ाम नहीं है। अच्छा, तो ट्यूबवेल वगैरह आपको दिखाएंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह, यहाँ पे एक इसराइल फार्म है, इसराइल का है तो उन्होंने बनाया हुआ, उसमें आपको दिखाएंगे उन्होंने सिस्टम किया ट्यूबवेल का। ये जो मछलियाँ पकड़ रहे हैं ये बेचते हैं आगे क्या कारखाने? ये अभी ले जाएंगे ना इनके घर से या ये खुद यहाँ से जब पकड़ लेंगे तो फिर यहाँ पे नज़दीक में मार्केट है वहाँ पे ले जाएंगे और वहाँ पे ये सेल। अच्छा जी, मैं देख रहा हूँ कि हमको ना बहुत वो जूम करके देखना पड़ता है, इतनी नज़र नहीं आ रही, तो कोई आप ऐसी वीडियो करें ना जिसमें इनके साथ आप इंटरव्यू वगैरह करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो आपको इनके साथ बात भी करेंगे और इनसे पता भी करेंगे ये मछली किस तरह बेचते हैं, किस तरह पकड़ते हैं, और आपको दिखाएंगे और आपको इनकी कश्तियाँ भी दिखाएंगे, आप कश्तियाँ देखेंगे तो हंसेंगे, ये किस तरह कितने मेहनती हैं, इन्होंने बड़ी सी लकड़ी लेके उसको अंदर से खुदाई करके और कश्ती बनाई हुई है, ये प्रॉपर कश्ती नहीं है। तो व्यूअर्स आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और नेक्स्ट वीडियो के साथ जुड़े रहें, हम इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे ये किस तरह कश्तियाँ बनी हैं, किस तरह मछलियाँ पकड़ते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, फी मान।